2014 को शुरू हुए महज 2 ही हफ्ते हुए हैं और एक्ट्रेस रुबीना दिलाग का नेचर खुलकर सामने आ रहा है। रुबीना दिलाग जिस तरीके की पर्सनैलिटी है वो खुलकर सामने आ रही है और ऑडियंस को भी ये पर्सनैलिटी काफी पसंद आ रही है। हालांकि रुबीना के इस नेचर को लेकर घर के अंदर काफी बवाल भी मचा हुआ है, क्योंकि रुबीना दिलाग हमेशा ही अपने पॉइंट्स को लेकर स्टैंड पर खड़ी रहती हैं, जिस वजह से घर के अंदर उनकी बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं, उन्होंने तो सीनियर्स के साथ भी सीधी सीधी दुश्मनी मोल ले ली। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रुबीना की कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। वहीं हैरानी की बात है कि वीकेंड के वार पर अब रुबीना दिलाग और सलमान खान के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट होने वाला है। जी हाँ, रुबीना दिलाग और सलमान खान के बीच में एक ताश को लेकर बहस होने वाली है, जहां पर रुबीना दिलाग ये साफ कहती नजर आएंगी, क्या अपने लिए बात करना गलत है, क्या अपने लिए स्टैंड लेना गलत है। वहीं सलमान खान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस तरीके के प्रोमोज पहले भी बिग बॉस काटता रहा है और अक्सर ये प्रोमोज ऑडियंस को केवल एक्साइट करने के लिए होते हैं, रियलिटी हमेशा ही कुछ और होती है। ऐसे में बिग बॉस के वीकेंड के वार का एपिसोड का इंतजार हमें करना होगा कि रुबीना के पॉइंट को सलमान खान ने कितना समझा, क्योंकि जिस तरीके का प्रोमो सामने आया है उससे ऐसा लग रहा है कि सलमान खान रुबीना दिलाग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। यही नहीं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स में ये भी कहा गया है कि सलमान खान ने रुबीना दिलाग से ये तक कह दिया है कि पैक योर बैग्स, और आप इस स्टेटमेंट का मतलब तो समझते ही हैं, यानी कि रुबीना दिलाग घर से बाहर तो नहीं जाएंगी, लेकिन इससे सलमान खान का गुस्सा साफ जाहिर होता है। हालांकि वीकेंड के वार का एपिसोड जब टेलीकास्ट होगा तभी इस प्रोमो की असली सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि मेकर्स हमेशा ही टीआरपी को हाई रखने के लिए इस तरीके के प्रोमोज काटते हैं, जहां पर अलग अलग सीन्स को एक साथ लगाया जाता है ताकि ऑडियंस को और ज्यादा एक्साइट किया जाए। वैसे भी देखा जाए तो रुबीना दिलाग पूरे हफ्ते ही इस सीजन में छाई रही हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है उसे देखते हुए तो हिना खान ने भी गौहर को ये कह दिया कि उन्हें रुबीना में बिग बॉस 14 की विनर नजर आती है। गौहर और हिना ने ही नहीं बल्कि ट्विटर पर कई बड़े सेलिब्रिटीज ने भी इस बात को माना है कि जिस तरीके से रुबीना स्टैंड लेती है यकीनन वो इस सीजन की विनर बनने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रुबीना के अंदर वो विनिंग क्वालिटी है कि वो इस सीजन को जीत पाए? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या रुबीना का इस तरीके से घर वालों के खिलाफ खड़ा होना सही है, या फिर ये चीजें उनके लिए आगे चलकर और भी परेशानी खड़ी कर सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।